मेरा नाम हजरत गुल है और मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़िले चित्राल और वादी कलाश से ताल्लुक़ रखती हूँ। पहले तो हम दियार के आग जला के उससे गुजारा करते थे, उसके बाद हम कैंडल इस्तेमाल करते थे जिनको लाटन बोलता है, लाटन के ज़रिए अपने गुजारा करते थे। तो जब SRSP वालों की तरफ से CO वगैरह आ गया, यहाँ आके मीटिंग हुआ, तो उनकी उनसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक बिजली घर बन रहा है जो पूरे आवाम और पूरे कम्युनिटी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। जब से SRSP बिजली घर बनाई है, सबके घरों में मशीनरी चीज़ें चलती है। जैसे कि किसी के घर में अगर लस्सी की मशीन से फ़ायदा ले रहे हैं, तो किसी के घर में वॉशिंग मशीन चला रहे, तो किसी के घर में TV चलता है, तो किसी के घर में फ्रीजर वगैरह। आजकल जब बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो घूमने फिरने में लगाते, शाम को अपने होमवर्क पूरे करके सुबह खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। आजकल जब बिजली घर बनी है तो हम फ्रीजर लगाए हुए हैं जहाँ पे हमारे वैक्सीन 24 आवर सेफ रहते और बच्चों तक ताज़ा वैक्सीन हम पहुँचाते। पहले तो हम सिलाई मशीन हाथों के ज़रिए नहीं कर सकते थे, काम हमें अपना पूरा नहीं होता था। आजकल हम सिलाई सेंटर चलाते हैं जहाँ से हम कपड़े सिलाई करके बेचते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदा है। कंप्यूटर सेंटर बने होते हैं, उनमें जाके हम सीखते हैं। और छोटे छोटे बिजनेस है जिनमें बिजली के ज़रिए बहुत सारे लोग जिस तरह के वायरिंग वगैरह में काम आते हैं। पहले इसलिए जाते थे लोग कि वो पढ़ाई में मुतासिर होते थे, तो आजकल मोबाइलों में चार्ज होते हैं, घर में बैठ के उनका इंटरनेट चलता है, घर में बैठकर वो अपने सारे काम कर सकते, तो वो क्यों जाएंगे। तो फिर आजकल लोग सारे वहाँ से फिर आके अपने जगहों में शिफ्ट हो रहे हैं।